आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे, अ टैंक कोला कंपनी वांट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू सिलिंड्रिकल टिन एज हेल्दी प्रोटीन ड्रिंक विच कंटेन 300 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ प्रोटीन ड्रिंक। ठीक है, एक टैंक कोला कंपनी थी जिसने अपनी हेल्दी प्रोटीन ड्रिंक इंट्रोड्यूस की गई। ये प्रोटीन ड्रिंक है सिलेंड्रिकल शेप में, अपना कैन था उसका, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में टीन था उसका, और उसमें कैपेसिटी कितनी थी, 300 क्यूबिक सेंटीमीटर कैपेसिटी थी उसकी। ठीक है, इतना उसमें ड्रिंक आ सकती थी। अब उसने बोला जो कॉस्ट है, उसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक साइड्स ऑफ कंटेनर, जो साइड्स को बनाने में कॉस्ट लगे वो ₹5 है, वाइल द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक टॉप एंड बॉटम, और टॉप एंड बॉटम को बनाने में कॉस्ट लगे ₹10। सो ही वांट्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कंटेनर, जो कंटेनर उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहता है वो। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, एच की क्या वैल्यू रहेगी आपको बतानी है, और चार ऑप्शन गिवन है हमारे पास। ठीक है, देखो ये जो टीन है सिलेंडर का टीन, इसकी वॉल्यूम गिवन है आपको, हमको पता है सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr²h, यहाँ पर r वेरी रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाइट इज एच इज हाइट ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम गिवन है 300 के इक्वल। तो ऐसे अगर मैं एच की वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगा 300 अपॉन πr², इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन। हम क्या करेंगे, रेडियस की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, फाइनली एच की वैल्यू पता लग जाएगी हमें। ठीक है, सो उसने देखो क्या बोला था कि उसको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, कंटेनर की कॉस्ट को मिनिमाइज करना है उसे। सो पहले मैं कॉस्ट फंक्शन लिख लेता हूँ, ये मेरा सी कॉस्ट हो जाएगा। उसने क्या बोला गया है कि जो साइड्स है, ये देखो साइड्स को बनाने में कॉस्ट ₹5 है, और टॉप एंड बॉटम को रुपीज कॉस्ट बनाने में कितने कॉस्ट लगेगी, ₹10। सो कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, 5 इंटू में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 10 इंटू में एरिया ऑफ टॉप प्लस बॉटम। ठीक है, क्योंकि ₹5 लगेंगे उसको साइड्स को बनाने में, साइड ऑफ कंटेनर बनाने में ₹5, और टॉप एंड बॉटम को बनाने में उसको ₹10 लगेंगे। तो कॉस्ट फंक्शन ऐसे हो जाएगी, सी एस एफ सिलेंडर कितना होता है 2πr², ये हो जाएगा अपना 2 × π × h प्लस 10 इंटू में एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, ये कितना हो जाएगा πr² प्लस πr² यहाँ से। तो बेसिकली कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो यहाँ से कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 10πr² प्लस ये हो जाएगा 20πr², πr² प्लस πr² 2πr² इंटू 10 20πr². अब कॉस्ट में हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू पुट कर देंगे, एच की वैल्यू पुट करेंगे 300 में πr², तो ये बन जाएगा अपना 3000 अपॉन आर प्लस 20πr². ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर था तो नीचे खाली आर बचेगा अपना नीचे। अब इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है मुझे, तो मिनिमाइज करने के लिए डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो ये रहेगा -3000 अपॉन r² प्लस 40πr। ठीक है, देखो 3000 तो कॉन्स्टेंट है, 1r का डेरिवेटिव -1r², और इधर पाई कॉन्स्टेंट था, r² का डेरिवेटिव करेंगे तो 2r हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव इसका। अब डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे तो वहाँ से आपको r के लिए पता लग जाएगी जिसमें मेरा कॉस्ट मिनिमाइज है। सो c' को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 3000 अपॉन r² इज इक्वल टू 40πr। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 3000 अपॉन 40π इज इक्वल टू r³ है, तो 0 से 0 कैंसिल एंड 4 से डिवाइड करेंगे तो 75 अपॉन पाई बचेगा इज इक्वल टू r³। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 अपॉन पाई पावर ऑफ 1/3, ये r आ गया। अब इस r की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो h पता लग जाएगी, जो बेसिकली हाइट ऑफ सिलेंडर हमको निकालनी है। तो मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ से वैल्यू, h कितना था 300 अपॉन πr², विच इज इक्वल टू 300 अपॉन पाई, और r की वैल्यू है 75 अपॉन पाई की पावर 1/3 एंड इस पूरे का होल स्क्वायर अपना यहाँ से। तो ये बन जाएगा 300 अपॉन पाई इंटू में, अब देखो पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरे यहाँ से 75 अपॉन पाई पावर में 2/3 हो जाएगा मेरे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, h इज इक्वल टू 300, इसको मैं अगले कर सकता हूँ, इसको लिख लेता हूँ नीचे 75 की पावर में है 2/3, और देखो ये कितना बन जाएगा, ये है मेरा पाई अपॉन पाई की पावर 2/3, इस टाइप का है ना मेरा पाई अपॉन पाई की पावर 2/3। सो देखो हमको पता है कि जब भी अपने बेस से हम होते हैं डिवीजन में तो हमने क्या हो जाता है, पावर सबट्रैक्ट हो जाती है। सो पाई की पावर मेरा आ जाएगा ऐसे कितना, -1/3 हो जाएगा मेरा ये, देखो क्योंकि 1 − 2/3 करना है, तो ये हो जाएगा मेरा 1/3 यहाँ पर आ गया नीचे का। सो डिनोमेटर में कितना आ गया, इंटू पाई की पावर 1/3 आ जाएगा ऐसे मेरा,
एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम यहाँ पर, बेस सेम है तो पावर सेपरेट कर देंगे, और अगर पाई को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा इंटू में पाई की पावर माइनस 1/3, ठीक है। तो बेसिकली एच मेरा ये आ गया यहाँ पर 300 इंटू पाई की पावर माइनस 1/3, अब 175/2/3। देखो पाई को मैं ऊपर इसलिए लेके गया क्योंकि ऑप्शन में मेरा पाई ऊपर ही था, तो ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 इंटू पाई की पावर माइनस 1/3 अपॉन 75/2/3। थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।